स्वागत है आपका शॉर्ट नोट्स में। इस वीडियो में हम पेरिस पैरालंपिक 2024 के संबंध में चर्चा करेंगे। पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में 28 अगस्त से 8 सितंबर तक किया गया। इसमें दुनिया के 170 देश के 4463 पैरा एथलीटों ने 22 प्रकार के विभिन्न खेलों के 549 प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। भारत की ओर से इस पैरालंपिक में 84 पैरा एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारत ने 12 डिसिप्लिन में प्रतिस्पर्धा की, जो टोक्यो 2020 से 3 अधिक है। भारतीय पैरा एथलीटों ने पेरिस 2024 में 3 नए खेलों पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में हिस्सा लिया। भारत ने पेरिस 2024 खेलों में पैरालंपिक इतिहास में अपना सबसे सफल प्रदर्शन करते हुए 18वें स्थान पर रहते हुए कुल 29 पदक जीते, जिसमें 7 स्वर्ण, 9 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल रहे। इस उपलब्धि ने टोक्यो 2020 के 19 पदकों को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें 5 स्वर्ण शामिल थे। इस रिकॉर्ड उपलब्धि के साथ भारत ने अपने पैरालंपिक इतिहास में 7 पदकों का आंकड़ा छू लिया। प्रथम स्थान पर 94 स्वर्ण पदक के साथ चीन तथा 49 स्वर्ण पदक के साथ ब्रिटेन दूसरे स्थान पर तथा 36 स्वर्ण पदक के साथ यूएसए तीसरे स्थान पर रहा। अब देखते हैं भारत की ओर से स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम। 1. अवनी लेखरा शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में स्वर्ण। 2. नितेश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 में स्वर्ण पदक। 3. सुमित अंतिल एथलेटिक्स पुरुषों का जैवलिन थ्रो F64 में स्वर्ण जीता। 4. हरविंदर सिंह तीरंदाजी पुरुष इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में स्वर्ण। 5. धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 में स्वर्ण पदक। 6. प्रवीण कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T64 में स्वर्ण। 7. नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F41 में स्वर्ण। भारत की ओर से रजत पदक जीतने वाले खिलाड़ी। 1. मनीष नवाल शूटिंग पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में रजत। 2. निषाद कुमार एथलेटिक्स पुरुष हाई जंप T47 में रजत। 3. योगेश कथुनिया एथलेटिक्स पुरुष डिस्कस थ्रो F56 में रजत। 4. थुलासिमाथी मुरुगेसन बैडमिंटन महिला एकल SU5 में रजत। 5. सुहास यथिराज बैडमिंटन पुरुष एकल SL4 में रजत। 6. शरद कुमार एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 में रजत। 7. अजीत सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 में रजत। 8. सचिन खिलाड़ी एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट F46 में रजत। 9. प्रणव सूरमा एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 में रजत। भारत की ओर से कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी। 1. मोना अग्रवाल शूटिंग महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 में कांस्य। 2. प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 100 मीटर T35 में कांस्य। 3. रूबीना फ्रांसिस शूटिंग महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 में कांस्य। 4. प्रीति पाल एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T35 में कांस्य। 5. मनीषा रामदास बैडमिंटन महिला एकल SU5 में कांस्य। 6. राकेश कुमार शीतल देवी आचरी मिश्रित टीम कंपाउंड ओपन में कांस्य। 7. नित्या श्री सिवान बैडमिंटन महिला एकल SH6 में कांस्य। 8. दीप्ति जीवनजी एथलेटिक्स महिला 400 मीटर T20 में कांस्य। 9. मरियप्पन थंगावेलू एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T63 में कांस्य। 10. सुंदर सिंह गुर्जर एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F46 में कांस्य। 11. कपिल परमार जूडो पुरुष 60 तिगरा J1 में कांस्य। 12. होकाटो होतोझे सेमा एथलेटिक्स पुरुष शॉट पुट F57 में कांस्य। 13. सिमरन एथलेटिक्स महिला 200 मीटर T12 में कांस्य। अब बात करते हैं खेल के आधार पर पेरिस 2024 पैरालंपिक में भारत के पदक। आर्चरी में 1 स्वर्ण 0 रजत 1 कांस्य कुल 2 पदक। एथलेटिक्स में 4 स्वर्ण 6 रजत 7 कांस्य कुल 17 पदक। बैडमिंटन में 1 स्वर्ण 2 रजत 2 कांस्य कुल 5 पदक। शूटिंग में 1 स्वर्ण 1 रजत 2 कांस्य कुल 4 पदक। जूडो में 0 स्वर्ण 0 रजत 1 कांस्य कुल 1 पदक। कुल 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य कुल 29 पदक। अब देखते हैं पेरिस पैरालंपिक में भारतीय पैरा एथलीटों द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड्स। अवनी लेखरा पैरालंपिक खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 शूटिंग स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड स्कोर के साथ अपने खिताब को डिफेंड किया। भारत ने पहली बार एथलेटिक्स में 2 रिकॉर्ड दर्ज किए, जिसमें धर्मवीर और प्रणव सूरमा ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में क्रमशः स्वर्ण और रजत पदक जीते। धर्मवीर ने 34.92 मीटर का नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद में प्रवीण कुमार ने हाई जंप T64 खिताब जीतने के साथ एशियाई रिकॉर्ड भी दर्ज किया और भारत को 6th स्वर्ण दिलाया, जो पैरालंपिक में भारत के सबसे ज्यादा जीते गए स्वर्ण पदक है।
भाला फेंक खिलाड़ी सुमित अंतिल ने भी पैरालंपिक में अपना खिताब डिफेंड करने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी के रूप में इतिहास रच दिया। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक F64 में 70.59 मीटर के शानदार थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जो एक नया पैरालंपिक रिकॉर्ड है। सुमित ने टोक्यो 2020 पैरालंपिक में बनाए गए अपने ही पिछले रिकॉर्ड को एक बार नहीं बल्कि प्रतियोगिता के दौरान 3 बार तोड़ा। हाई जंप T42 वर्ग में कांस्य पदक के साथ मरियप्पन थंगावेलु लगातार 3 पैरालंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। उन्होंने रियो 2016 में स्वर्ण पदक और टोक्यो 2020 में रजत पदक जीता। प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 दौड़ में व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ समय के साथ कांस्य पदक जीता। ये पैरालंपिक के ट्रैक इवेंट में भारत का पहला पदक था। कुल मिलाकर भारत ने पेरिस 2024 में ट्रैक स्पर्धाओं में 4 पदक जीते। इसमें दीप्ति जीवनजी भी शामिल थीं, जो महिलाओं की 400 मीटर T20 वर्ग में कांस्य के साथ पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली बौद्धिक रूप से कमजोर भारतीय एथलीट बनी। तीरंदाजी में भी कई कीर्तिमान स्थापित किए गए। पैरा तीरंदाज शीतल देवी ने दूसरे स्थान पर रहने से पहले रैंकिंग राउंड में कुछ समय के लिए विश्व रिकॉर्ड बनाया, लेकिन बाद में उन्होंने राकेश कुमार के साथ मिलकर कंपाउंड मिश्रित टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड को हासिल किया। महज 17 साल की उम्र में शीतल ने राकेश के साथ मिश्रित टीम स्पर्धा में कांस्य हासिल करके भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता के रूप में इतिहास रच दिया। बाद में भारत को हरविंदर सिंह के रूप में अपना पहला पैरालंपिक तीरंदाजी चैंपियन मिला। अब देखते हैं कि पेरिस 2024 पैरालंपिक पदक तालिका के टॉप 5 कंट्री कौन है। 1. चाइना 94 स्वर्ण 76 रजत 50 कांस्य कुल 220 पदक। 2. ब्रिटेन 49 स्वर्ण 44 रजत 31 कांस्य कुल 124 पदक। 3. यूएसए 36 स्वर्ण 42 रजत 27 कांस्य कुल 105 पदक। 4. नीदरलैंड 27 स्वर्ण 17 रजत 12 कांस्य कुल 56 पदक। 5. ब्राजील 25 स्वर्ण 26 रजत 38 कांस्य कुल 89 पदक, जबकि भारत 7 स्वर्ण 9 रजत 13 कांस्य कुल 29 पदक के साथ 18वें स्थान पर रहा।